जा रहे हैं हम, ये है एबट माउंट, ये लोहागाट से 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है और चंपावत लोहागाट से 13 किलोमीटर आगे है। आज जिस जगह हम जा रहे हैं एबट माउंट, वो इंडिया टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस में ऐड है। इसके बारे में GTV के फेयर फाइल्स में पूरा एपिसोड बनाया गया है इसके ऊपर, बाकी का आपको आगे चल के बताते हैं। तो अभी हम चंपावत से निकलते हुए लोहागाट की ओर निकले आगे की ओर। अब हम लोहागाट पहुंच चुके हैं। बटमान को जाने के लिए पहले हमें लोहागढ़ से पिथौरागढ़ का रोड पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर से राइट टर्न लेते हुए हम जाएंगे अपटमाउंट की तरफ, और जो लेफ्ट साइड का रोड गई है वो है पिथौरागढ़ की। यह रास्ता काफ़ी सकरा है, कृपया आराम से चलें। अब हम पहुंच चुके हैं एबट माउंट। ये यहाँ से नीचे की ओर पैदल जाना पड़ता है, ऊपर कैंपियन के कॉटेजेस बनी हुई है। ऊपर वहाँ पे कैंपियन के कॉटेज बनी हुई है, तो वहाँ से एंट्री दी नहीं हमें, तो हम नीचे से गोल घूम के जाएंगे। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप इस रास्ते को एंजॉय करें तो बहुत बढ़िया रास्ता है। ये देखिए, सुंदरता तो रास्ते की चलने पे ही दिखेगी आपको। बाकी हम पहुंचते हैं धीरे धीरे आगे की ओर। अभी जो है गेट बंद है, अभी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। अभी हम आगे जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक वॉचमैन रहता है, तो उनसे पता करते हैं क्या प्रोसेस है इसका। ये जो दृश्य यहाँ का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है इस चीज़ जगह को। बहुत सुंदर है, वैसे तो बताएं प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट हमने यहाँ के जो गार्डन उनसे बात करके एंट्री लिया है। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ही हम यहाँ पर इतना बड़ा इसके लिए यहाँ पे देखिए, ये मिलता है दूर से शॉट वहाँ का। यहाँ की सुंदरता बहुत ही खास है, बहुत ही उम्दा है अपने में। यहाँ से रास्ता होते हुए नीचे जाता है। यह है प्राइवेट प्रॉपर्टी, अंदर आना सख्त मना है, हम अंदर जाएंगे भी नहीं। हम सिर्फ बस ऐसे ही हल्का हल्का वीडियो बनाएंगे और यहाँ से अलविदा लेंगे।
यहाँ की जो स्टोरी है कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर मोनिस नाम के एक डॉक्टर थे, उनने इस बिल्डिंग को एज ए हॉस्पिटल यूज़ किया था। वो यहाँ पे लोगों का इलाज करते थे और साइड बाय साइड वो अपने कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते थे यहाँ पे, क्योंकि ये जगह जंगलों के बीच में थी, यहाँ कोई आता जाता नहीं था ज़्यादातर। तो यहाँ पे वो अपने पर्सनल एक्सपेरिमेंट भी करते थे क्योंकि कहीं और उनको जगह नहीं मिल सकती, कोई अलाउड नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए। डॉक्टर मोरिस यहाँ पे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिससे इंसान मरे भी ना और ज़िंदा भी ना रहे, और उस बीच की कंडीशन में इंसान क्या करता है। डॉक्टर मोरिस यहाँ पे दिन भर इलाज करते थे और रात को एक पर्टिकुलर रूम में जहाँ कोई देखे ना वहाँ पे अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, और उसका नाम था मुक्ति कोठरी। अब कहते ये हैं कि यहाँ के बारे में जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे लोग थे, अब उनकी आत्मा यहीं पर भटकती हैं, इसी रीज़न से इसे हॉन्टेड प्लेस कहते हैं। वैसे यहाँ पे आना अलाउड नहीं है, हमने गार्ड से बात करी और फिर उन्हें परमिशन दे दी। चलिए आपको सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए मुक्ति कोठरी और अपार्टमेंट के। यहाँ पे बारिश होने की वजह से कुछ खास सिनेमेटिक शॉट्स हमें मिले नहीं, इसलिए नेक्स्ट टाइम कभी आपको पूरे एक्सपीरियंस सिनेमेटिक शॉट्स को एंजॉय करवाएंगे। अभी हम चलते हैं ऊपर की ओर एबट माउंट से। ऊपर पे अभी चर्च दिखाएंगे, बहुत ही पुराना चर्च है, सात का ही चर्च है इसके। अब है कि यहीं पे छोटा सा चर्च है यहाँ पर का, बहुत पुराना चर्च है वो। अब उस पर होते हुए जाएंगे हम लोग घर को। सच बताऊँ तो बारिश ने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया वीडियो बनाने का, बट हमने फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई है, तो ज़रूर देखें। और ये पहुँचे हम एबट माउंट के चर्च पे। ये बहुत ही पुराना चर्च है। अगर ऐसे इस जगह को देखें तो कुछ ज़्यादा ही हॉन्टेड लगती है, क्योंकि ये चर्च है जिसे हमेशा खुला हुआ होना चाहिए, बंद है और बहुत ही बुरी स्थिति में है। कुछ ना कुछ हुआ होगा इसके पीछे, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन है। वैसे हमने इस बारे में यहाँ के गार्ड से जानने की कोशिश करी, बट वो पूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। ये हमने ड्रोन शॉट से शूट किया चर्च को। अब चलते हुए कैम्बियन के कॉटेजेस बन रही हैं टूरिस्ट के लिए, इनके भी सिनेमेटिक शॉट्स एंजॉय कीजिए।